वेलकम टू सिविल सेपियंस कंटिंग वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विच डील्स विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांच है इंजीनियरिंग और साइंस का जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट्स होते हैं कब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे होते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग बेसिकली उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट अगर आप डिवाइस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सेमी कंडक्टर। कंडक्शन जो होता है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और सेमी कंडक्टर में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, जब हम इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम कंडक्टर के बारे में ज्यादा बात करते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमी कंडक्टर। सो सेमी कंडक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे हम लोग देखेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि कुछ भी आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो तो जो बेसिक एलिमेंट होता है, बेसिक होता है, वो एटम होता है। तो एटम के बारे में रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था 1911 में। उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है उसके एक सेंट्रल पार्ट होती है, उस सेंट्रल पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जहाँ पे प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे प्रोटॉन्स के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। क्योंकि एटम में दोनों ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही होता है, इसलिए एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज ओवरऑल नहीं होता है। तो अब जो ये कुछ फोर्स एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जो कि कंपनसेटेड होता है और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ न्यूक्लियस के रोटेट करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर बोर्स मॉडल आया 1913 में। रदरफोर्ड मॉडल में हम लोग ने देखा कि स्टेबिलिटी जो है न्यूक्लियस की उन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो बोर ने 1913 में स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की एक्सप्लेन की कि न्यूक्लियस कैसे स्टेबल रहता है। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में सर्कुलेट करते हैं न्यूक्लियस को, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल में रहते हैं तो एटम होता है कोई भी एनर्जी नहीं रेडिएट करता है, नहीं एब्जॉर्ब करता है। एटम जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, तभी एटम रेडिएट करेगा एनर्जी या एब्जॉर्ब करेगा। अब ये ऑब्जॉर्ब और रेडिएट कब करता है? जबकि एनर्जी, जब भी इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हाईर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे, इन दैट केस वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो हाईर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ मूव करेंगे तब वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। तो तभी इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट करते हैं एनर्जी या एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो एनर्जी रेडिएट होती है वो किसी फॉर्म में रहती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, और उसको मेजर किया जा सकता है, उस एनर्जी के वेवलेंथ को, उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो मेजर करने के लिए जैसे कि ये मान लीजिए हमने माना कि जो हमारा हाईर एनर्जी लेवल है वो ओमेगा 2 से हमने रिप्रेजेंट किया और लोअर एनर्जी लेवल को ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट किया, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज विल बी इक्वल टू HF। H यहां हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻¹⁴ जूल पर सेकंड, और F हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय H, दैट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली तो हम वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ विल बी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहां पे सी का वैल्यू है ऑब्वियस, इट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3.83 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में देखते हो दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻¹० सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी और जो रेडिएशन का वेवलेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि एनर्जी कब रेडिएट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब इसी के बेसिस पे आगे हम लोग सेमी कंडक्टर्स देखेंगे। तो सेमी कंडक्टर्स के पास ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है तो जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा सेमी कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिवर्ट इट। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।